हेलो, कौन हो तुम? एक्सक्यूज मी, हाय, मेरा घर यही पास में ही है, क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे प्लीज? सॉरी, मैं बेंगलुरु से आई हूँ, बस हाईवे पे खराब हो गई। मैं वहाँ से पैदल ही चलकर आ रही थी लेकिन रात हो गई। मेरा घर इसी रास्ते पर जस्ट 2 किलोमीटर पे है, प्लीज। हेलो, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ठीक है, छोड़ दूंगा, आके बैठ जाओ। मैं यहाँ हूँ, अब चलिए प्लीज। आप तो द ग्रेट आर्टिस्ट चंदन आचार्य हो ना? आई कांट बिलीव दिस, आपको पता है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इनफैक्ट बेंगलोर में आपके सारे आर्ट एग्जीबिशन देखे मैंने और उनमें से द सेलिब्रेशन सीरीज इज माय फेवरेट। एनीवेज, मेरा नाम है चरित्रा। कोई बात नहीं, आपको पता है मेरी भी आर्टिस्ट बनने की बहुत ख्वाहिश थी, इट वाज माय पैशन यू नो, लेकिन पूरी नहीं हुई। आपको एक बात बताऊं, पिछले 1 घंटे से इसी रास्ते पर कितनी गाड़ियों को ड्रॉप के लिए रोक रही थी, लेकिन नहीं, एक भी गाड़ी नहीं रुक रही थी। सबको भूत से डर लगता है, आपको तो पता ही है। इस गांव के आसपास रात के 9 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो घर के बाहर ये लिखा है कि आज नहीं कल आना। वेरी फनी। वैसे आपने अपने भी घर के बाहर ऐसा लिखवाया है कि कल आना? नहीं। इस घने जंगल में इतनी रात को एक अकेली लड़की, डर नहीं लगता आपको? वैसे आप भूत पिशाच आत्मा पर यकीन तो करते हैं ना? करता हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए, वो सामने वाला, वही मेरा घर है। लेकिन वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है, मैं पैदल चली जाऊंगी। थैंक यू। तुम्हारे घर में रहता कौन कौन है? मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों रहते हैं। एनीवेज, थैंक यू।
ए चंदन, यहाँ आओ। यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने ये घर देखा। ये किसका घर है सर? वही मर्डर वाली लड़की का। बेचारी बहुत अच्छी लड़की थी। एक ही दिन में दो मर्डर केस। ये गांव अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। अब अचानक से यहाँ लोग गायब होने लगे हैं, बाद में उनकी बॉडी मिलती है। पता नहीं कौन है वो शैतान जो ऐसा कर रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ एक मिनट, वो गाड़ी का नंबर अभी पता नहीं चला जिससे तुम्हारी वाइफ का मर्डर हुआ था। पता चलता ही फोन कर दूंगा। ठीक है? ओके सर। ओके। मर्डर वाली लड़की का। बेचारी बहुत अच्छी लड़की थी। हैरी प्राइस, उन्होंने ये जानने की बहुत कोशिश की कि भूत होते हैं या नहीं, और उन्होंने भूतों की फोटो भी खींचनी चाहिए। एड वॉरेन मिनी और उनकी पत्नी लॉरेन रीटा वॉरेन, कैमरून बग, टोनी कर्नल और ऐसे बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर में भूत, पिशाच और आत्मा के अस्तित्व को लेकर काफी उत्सुकता दिखाई। यह बस आज की कहानी नहीं है, यह दुनिया भर में वर्षों से चला आ रहा है। अगर तुम हमारे इतिहास और पुराण पर नजर डालोगे तो आपको बहुत सारी भूत प्रेतों की कहानियां मिलेंगी। अगर हम में से कोई भूत की बात करें तो सब डर जाते हैं। और वहां देखो, कैनेडी, लिंकन जैसे लोग भूतों को खोजने के लिए भूतों के बंगलों में भी चले जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अब देखो चंदन, हम ये भूत, प्रेत और आत्मा जैसी चीजों को
वैज्ञानिक तरीके से साबित नहीं कर सकते हैं और इसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अगर हम माने तो यह है और नहीं माने तो नहीं है। कभी कभी ये एक हेलुसिनेशन भी हो सकता है। अच्छा, इसीलिए मुझे भी डाउट हो रहा है, ये सच है या फिर झूठ। मुझे सब कुछ रियल जैसा फील हुआ, मैं सच कह रहा हूँ, रियल जैसा। मैंने यहाँ आने से पहले सब कुछ चेक किया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये मेरा कोई भ्रम नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आया। मैं तो एक डॉक्टर हूँ भाई, कोई तांत्रिक नहीं। वैसे एक बात कहूँ, जो तुम्हारे साथ हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ और तुम बेंगलोर आ जाओ। अगर तुम इस तरह वहाँ अकेले रहोगे तो ऐसी बहुत सारी अजीब समस्याएं होती ही रहेंगी। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये मेरे अकेलेपन की वजह से हो रहा है? हाँ बिल्कुल, इंसान जब अकेला होता है, मायूस होता है, तो ऐसी समस्याएं होती हैं। डॉक्टर, सच कहूँ तो मैं मेंटली इतना भी डिस्टर्ब नहीं हूँ। हाँ, मधु के मरने के बाद थोड़ा सा अपसेट जरूर हुआ हूँ, लेकिन एक बात है, अगर मैंने अपनी वाइफ को देखा होता तो शायद ये मेरा भ्रम होता। लेकिन मैंने उस लड़की को अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, तो फिर ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है, रिलेटिव, कोई दुश्मन, या फिर कोई ऐसा पिक्चर का कैरेक्टर, किसी कहानी का कैरेक्टर, या फिर ये तुम्हारी कल्पना है? भूत प्रेत को लेके मेरा ओपिनियन एकदम न्यूट्रल रहा है। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो, मेरी परेशानी के लिए कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ चंदन, तुम्हें साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग करवाना चाहिए था, लेकिन तुम हो कि उस गांव से बाहर आने को तैयार ही नहीं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक साइकेट्रिस्ट को तुम्हारे पास भेजता हूँ तुम्हारा केस स्टडी करने के लिए। तुम उसके साथ जरा कॉपरेट करना, परेशानी को किसी के साथ शेयर करने से उसका हल जरूर निकलता है चंदन। ओके। चंदन, तुम एक जबरदस्त बेहतरीन कलाकार हो, तुम्हारी कलाकारी का इस दुनिया में बहुत महत्व है, ये बात सच है, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ उससे भी कीमती होती है। नहीं तो तुम्हारी वाइफ के मरने से तुम्हें इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपने अंदर के इस कलाकार को मरने मत देना। जितनी जल्दी हो सके बेंगलोर आने की कोशिश करो, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। श्योर, थैंक्स। ओके, बाय। कौन है? हाय, मैं हूँ जीविता। डॉक्टर ने भेजा है आपको? आता हूँ मैं, 2 मिनट्स। ओके। स्वामी ने मुझे आपके बारे में और पेंटिंग्स के बारे में बताया। आपकी पेंटिंग्स बताती हैं कि आप कितने महान कलाकार हैं। ओह, कॉफी। देखिए मिस्टर चंदन,
आपके केस के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आप उसे जानते तक नहीं और ना किसी तरह की कोई जान पहचान है, फिर भी वो आपको दिखाई दे रही है, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं जानता। मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, हम ऐसे केस पर स्टडी करते हैं। सो पहले तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या आपकी वाइफ का कोई रिलेटिव या कोई दोस्त है या कोई फैन तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मैंने रात को चेक किया था, कोई नहीं है। और वैसे भी किसी फिल्म स्टार्स की तरह डाई हार्ट फैंस हमारे तो बिल्कुल नहीं होते हैं। उस रात के बाद क्या आप उसके घर दोबारा गए थे? हाँ, एक बार गया था, उसके बाद नहीं गया। वैसे भी इस गांव में मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ। ठीक है चंदन, अभी मैं चलती हूँ। वैसे तुम रुकी कहाँ हो? आप कहो तो मैं यही रुक जाती हूँ। अरे मजाक कर रही हूँ, वैसे यही मेरा गांव है। स्वामी ने बताया कि केस तुम्हारे गांव में ही है, इसीलिए मैंने केस स्टडी करने के लिए हाँ कहा और आ गई। अच्छा, तो तुम यहीं पे रहती हो? हाँ, यहीं पर। फिर तो तुम उस लड़की को जानती ही होगी। क्या आपके पास उसकी कोई फोटो है? अरे, एक भूत की फोटो आपके पास कैसे होगी? मैं तो मजाक कर रही थी। हम एक काम करते हैं, हम लोग कल मिलते हैं और साथ में जाके वो घर चेक करते हैं। डोंट वरी, ये लो। अब मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। जब तुम मेरे घर से गईं, तो मैंने उसे फिर से देखा। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें फोन कर लूं, लेकिन मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर नहीं था। इसका मतलब उस भूत को मुझसे डर लगता है। अब सोचो, अगर भूत भी मुझसे डरता है तो तुम अंदाजा लगा कर बताओ कि मैं कितनी बड़ी भूत होंगी। सोचो जरा। आप एक काम करो, मेरे लिए एक पेमेंट फिक्स करो और अपने साथ रखो, फिर कोई भूत आपके पास नहीं भटकेगा। कैसा लगा आइडिया? मैं मजाक कर रही थी। मैं आपकी तरह सीरियस होकर मुंह फुलाकर नहीं बैठ सकती, और वैसे भी मैं मोबाइल भी यूज नहीं करती क्योंकि यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। नेटवर्क के लिए पेड़ पर चढ़ो, नहीं तो पहाड़ पर चढ़ो, तब बात होगी। मैं तो बस सुंदर सुंदर नजारों को कैप्चर करने के लिए मात्र मोबाइल को यूज करती हूँ। ओके ओके, चुप। लो, आ गया भूत का घर। हे, तुम इस घर के ओनर को नहीं जानती? तुम तो इसी गांव की हो ना? मैंने तो आपसे कहा था ना, इसी गांव में रहती हूँ, पर ये घर बहुत दूर है। पता है, हम लड़कियों को आप लोगों की तुलना में 40% कम ही आजादी मिलती है, पता है ना? कोई बात नहीं, चलो। घर में तो कोई नहीं है, लगता है सभी लोग ट्रिप पे गए होंगे। हे, क्या बोल रही हो तुम? वो लड़की मर चुकी है। अरे, ये क्या आप हर बार अपना एक जैसा ही मुंह बना लेते हो, गुब्बारे की तरह? मैं तो बस टेस्ट करना चाहती थी और आप मुझ पर चिल्ला रहे हो।
मुझे क्या लेना देना, आप और आपका वो भूत आप खुद ही देखो। मैं जाकर दूसरा केस स्टडी करती हूँ। एक बात ध्यान में रखना, उस भूत को सिर्फ मुझसे ही डर लगता है, आपसे नहीं। लगता है डर गया। भू, डर गए क्या? उस भूत से भी ज्यादा मैं परेशान कर रही हूँ ना। इट्स ओके, मुझे आप ऐसे ही ट्रीट करो। चलो ना पूछताछ करते हैं। कम कम। लाला कलाना। ये सबसे अच्छा तरीका है। आप भी अपने दरवाजे के बाहर लिख दो कि कल आना, वो भी आर्टिस्टिक पेंट से। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। कहीं वो भूत आपकी पेंटिंग पर फिदा हो गया तो हमेशा के लिए आपके घर में सेटल हो जाएगा, तब क्या करोगे? बहुत समस्या हो जाएगी। हेलो, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? कभी मेरे जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? नहीं देखी होगी, मुझे अच्छे से पता है। ठीक है ठीक है, चलो पूछताछ करते हैं। तुम जाके पूछो। मैं जा सकती थी लेकिन नहीं 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 नहीं, आप ही जाओ, आप ही जाकर पूछो। अगर मेरे जैसी सुंदर लड़की जाकर सवाल पूछेगी तो वो मुझ पर फिदा हो जाएंगे और रॉन्ग आंसर का चांस बढ़ जाएगा। ये एक साइकोलॉजी फैक्ट है, इसीलिए कह रही हूँ, आप ही जाकर पूछो। आओ आओ, आओ चलो पूछो। कौन है, किससे मिलना है? चलो बताओ क्या पूछना है। अरे वो घर, वो लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन, और क्या। आपके पड़ोस वाली लड़की के साथ क्या हुआ था? वो लड़की क्या? उस लड़की का मर्डर हो गया था, वो अपने माँ के साथ अकेली रहती थी। ये मैटर है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि वो भूत ही परेशान कर रही है। वही घर, वही लड़की, वही कहानी, परफेक्ट मैच है दोनों का। और ये भी साबित हो गया है कि ये सब आपकी कल्पना नहीं है। यही मेरी परेशानी का समाधान है, लेकिन मुझे हमेशा बस एक ही चीज का डाउट रहता है, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है। रुको रुको रुको, इतनी जल्दी रिलैक्स मत होइए। ये सच है कि वो एक लड़की थी और वो मर गई थी। और ये भी सच है कि उसके मरने के पहले इस गाँव में भूत भी था। लेकिन उसके मरने के बाद वो आपको क्यों परेशान कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आपके पास इसका कोई जवाब है क्या? नहीं। तो समझे, अब हमें यही तो पता करना है। अरे अरे पुलिस। हे, कहाँ जा रही हो तुम? हेलो, कहाँ जा रही हो? ए, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, बस यहाँ से गुजर रहा था। ऐसा क्या है कि तुम हमेशा यहीं से गुजरते हो? सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं बस इस रास्ते से गुजर रहा था। तुम्हें पता है ना, वो लड़की मारी गई थी और मैं उसकी क्लोजिंग रिपोर्ट के लिए आया हूँ। सर आपसे एक बात पूछूं मैं, क्या ये सच में मर्डर ही था? मुझे नहीं पता, उसकी माँ यहाँ नहीं थी। वो लड़की बेंगलोर में पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करती थी। पता नहीं शहर में जाकर वो क्या करती थी, उस पर रोक लगाने वाला कोई नहीं था। फिर वो गांव वापस आई और यहाँ मर गई। ये हमारे लिए सरदर्द बन गया। मतलब ये मर्डर है? कोई सबूत नहीं है। वैसे हमारे पास यही जानकारी है कि वो अपने फ्रेंड के साथ आ रही थी। वो लड़की तो मर गई और उसकी फ्रेंड मिसिंग है। इन दिनों इस गांव से मिसिंग केस कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, तुम होशियार रहना। ओके सर। हेलो, यहाँ क्या हो गया था तुम्हें? पुलिस आई तो तुम छुप क्यों गई? आप नहीं समझे क्या, हम इस मरी हुई लड़की के घर के पास आना जाना कर रहे हैं, कहीं हम पर शक चला गया तो? इसमें शक वाली क्या बात है, उस लड़की का भूत ही तो मुझे परेशान कर रहा है, तभी तो उसके घर के आसपास भटक रहा हूँ।
अरे वो आपको मेंटल समझेंगे, वो सोचेंगे आप कहानियाँ बना रहे हो। पुलिस वाले आपकी भूत वाली कहानियाँ सुनेंगे क्या? वो आपको उस लड़की के मर्डर केस से जोड़कर अरेस्ट कर लेंगे। तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। मैं जब भी बात करती हूँ पॉइंट की ही बात करती हूँ। ठीक है ठीक है, इससे पहले वो वापस आ जाए हम यहाँ से चलते हैं। चलो। राजू नाम का एक आदमी तुम्हारे वहां काम पर आता था, वो परसों से मिसिंग है, लेकिन हमें बस शमशान के बाहर गिरा हुआ उसका केवल टॉर्च ही मिला है जिसमें खून लगा था पर बॉडी नहीं मिली। अरे सर, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग काम करते हैं और उस काम का उन्हें पैसा मिलता है। अगले दिन वो आते हैं और फिर काम करते हैं। अब रात को वो अपने घर जाते हैं या कहीं और जाते हैं, इससे भला हम क्यों परेशान हो? मैं परेशान होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम बस ये बताओ कि कहीं तुम लोगों के बीच कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ या उसने पैसे वगैरह तो नहीं लूटे? मेरे यहाँ ये सब करने की हिम्मत पूरे गांव में किसी में नहीं है। जब आप मेरे फ्रेंड हो तो फिर ऐसा करने की कोशिश कौन करेगा? शायद कहीं ये सब उस भूत ने तो नहीं किया। देखो मिस्टर राजन, हम ऐसी रिपोर्ट नहीं लिख सकते कि ये सब भूत ने किया होगा। अगर मैं भूत की कहानी सुनाऊंगा तो ऑफिसर भूत को भी अरेस्ट करने को सर, कहेंगे। अरे भरत भाई, ये राजू कौन है और वो काम पर नहीं आया है क्या? नहीं भाई, वो परसों पैसे लेके गया था, उसके बाद से कोई खबर ही नहीं आई। मिसिंग है वो। इन्हें शमशान के बाहर उसका टॉर्च और खून के कुछ निशान मिले हैं लेकिन बॉडी नहीं मिली। चलो छोड़ो, हमें तो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। वैसे वो आर्टिस्ट जो बेंगलोर से है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है क्योंकि वो उस लड़की के घर के आसपास भटक रहा था। वो मुझे आज भी वही दिखा। उसे तो अपनी वाइफ के मरने से भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस लड़की की मौत से आखिर इसका क्या संबंध हो सकता है। सर, वो अपने पेंट और ब्रश से बोर हो गया होगा, उसे भी थोड़ा डिटेक्टिव वाला काम करने दो, इससे तुम्हारा ही काम कम होगा। क्या कहते हो? क्यों रे? हाँ भाई, फनी है ना। राजन, ये कोई मजाक नहीं है, मैटर बहुत सीरियस है, होशियार रहना। Thank you.
जान से मारने का ऑर्डर भी देने लगा लगता है। ये भूत तो बहुत ही खतरनाक है। मैंने बहुत भूत की फिल्में देखी हैं। भूत तो बदला खुद ही लेता है ना, और फिर भूत तो डरावने होते ही हैं। लेकिन ये किस तरह का भूत है, धमकी देने वाला? हे, लाइफ में थोड़ा सीरियस भी हो जाओ तुम। हमेशा मजाक करना अच्छी बात नहीं होती है। हे भगवान, अब मैंने मजाक कब किया? अच्छा ये बताओ, आप मेरे बारे में आखिर सोचते क्या हो? क्यूट, ब्यूटीफुल, बबली, सेक्सी? कुछ भी नहीं। हे भगवान, अब मेरी लाइफ का क्या होगा? सच में कुछ नहीं सोचते? सोचता हूँ तुम एक बेपरवाह लड़की हो। थैंक गॉड, तुमने कुछ तो सोचा। अब मैटर पे आते हैं। आपने कहा कि मैं बेपरवाह लड़की हूँ, है ना? तो ये फोटो देखो, उसके बाद मुझे बेपरवाह कहो। यही वो लड़की है ना जो सता रही है आपको? अरे हाँ, ये लड़की वही है। कहाँ से मिली तुम्हें ये फोटो? कौन है ये? डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगी। आपने मुझे बेपरवाह लड़की कहा था ना, पहले इसे क्लियरिफाई करो आप। हे, ऐसा कुछ नहीं है यार। तुम मेरी सिचुएशन को समझ नहीं पा रही और हमेशा नादानों जैसी हरकतें कर रही हूँ, इसलिए मैंने कहा। इसका मतलब मैं बच्ची हूँ क्या? किड्स के जैसी हरकत करती हूँ, चाइल्डिश हूँ, यही कहना चाहते हो? हे, ओ, आप मुझे ताने मार रहे हो। तो भला मैं आपकी हेल्प क्यों करूं, बताओ? क्या आपने मेरे लिए कोई पेमेंट फिक्स की है क्या? क्या आपको पता भी है मैं किस तरह से कैसे अपने घर से आपके पास आती हूँ? या आप समझते हो कि आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हो तो मैं आपके ऊपर फिदा हो जाऊंगी, है ना? अरे सेकेंड हैंड, मैं आपके चक्कर में क्यों कष्ट झेलूं? आप ना अपने भूत के साथ ही रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे रे 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 रे, मेरा मतलब ये नहीं था। क्या है? सॉरी यार। क्या कहा आपने? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। हाँ, ये हुई ना बात। ओके ओके ओके, सीरियस, अब से मैं एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगी। वैसे आज मैं उसके घर पर गई थी और मैंने उसके बारे में पता किया। वो लोग घर खाली कर रहे थे और मैंने फोटो ले ली, और उस लड़की का नाम है चित्रा और वो बैंगलोर से फाइन आर्ट्स की स्टडी कर रही है। वो यहाँ आई और मर गई। और यहाँ पर एक और जरूरी चीज है, आपकी वाइफ और चित्रा एक ही दिन मरे थे। अरे एक थैंक्स भी नहीं कहोगे? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपको। थैंक यू। हाँ, इट्स ओके इट्स ओके। आपको नहीं लगता कि मैं एक जीनियस लड़की हूँ? मुझे साइकियाट्रिस्ट के बदले CBI CID होना चाहिए था, है ना? क्या आपको लगता है मैं दोबारा ज्यादा बोल रही हूँ? नहीं, बोलती रहो। अरे क्या हो गया तुम्हें? आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे बताओ तो सही, आप हंस रहे हो? आप कैसे हंस सकते हो? आप तो ऐसे मुंह फुलाकर बैठने वाले स्टैच्यू हो। अरे आप तो मेरी वजह से हंस रहे थे। हे भगवान, तुम्हें तो मेरी मधु,
और मेरी पेंटिंग्स, यही मेरी लाइफ थी। मधु ने इस मूक पर रिसर्च करने के लिए चैनल को एक डॉक्यूमेंट्री बना के दी थी। लेकिन मधु के बॉस को स्मोक की चिंता नहीं थी, उसे टीआरपी की चिंता थी, इसलिए उसने उस डॉक्यूमेंट्री को रिजेक्ट कर दिया और उसने टीवी पे प्रोग्राम को दिखाने से मना कर दिया। इस बात से मधु को बहुत हर्ट हुआ और उसने रिजाइन कर दिया। अपना मान ले।
तुझको है मानता, दिल से मुझको पुकार ले, तुझको ही है दिल जानता हो पिया। इतना प्यारा तू यार है, जान तुझ पर सार है, मेरे नैनों की प्यास को तू बुझा। नैनों की बात मान ले ओ मेरी जान, दिल की ढो बांध ले तू मेरी जान। उसके बाद हम यहां चले आए। मैंने अपनी नई पेंटिंग सीरीज शुरू की, उसका टाइटल था वर्णमाया, और मधु की ये सबसे फेवरेट पेंटिंग सीरीज थी, और मधु को इसकी एक एक पेंटिंग पसंद आई। लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट में वो मुझे छोड़ के चली गई, हमेशा के लिए। सॉरी चंदन, मुझे आपकी लाइफ की ट्रेजेडी के बारे में पता नहीं था। मुझे लगा था आप एक मेंटल केस हो, और ये केस मैंने स्टडी के लिए बहुत ही हल्के में लिया। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा हाथ मांगने आओगे क्या? मुझे एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे? यहाँ से पास में ही पड़ता है, आओ बैठो ना, मैं ले चलती हूँ। सही कहा तुमने। वो हमें फॉलो कर रहा है, ये हमारा भ्रम था। मुझे ऐसा लगा कि वो हमें फॉलो कर रहा है। क्या आप उसे जानते हो? ठीक है, चलो चलते हैं। हेलो भाई, वो अभी घर की तरफ ही गए हैं। हाँ भाई, ओके भाई।
कल तुम मुझे अपने घर के बाद कहीं और ले गई थी और आज तुम कहीं और लेके जा रही हो। वो घर भी मेरा है और ये घर भी मेरा है, पर ये वाला मुझे ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है बताती हूँ। तुम्हारा ये घर तो बंद है। बंद ही तो होगा ना, क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं। ये हमारा फार्म हाउस है। पापा के मरने के बाद मैं और मम्मी यहीं रहते थे। मम्मी के मरने के बाद मुझे यहाँ रहने का मन ही नहीं हुआ। तो ठीक है, अंदर चले क्या? अभी नहीं, फिर कभी चलेंगे। तो फिर मैं तुम्हें एक खास जगह पर ले चलती हूँ। चलो चलते हैं। ये मेरी माँ की समाधि है। जब भी मैं मायूस हो जाती हूँ, मैं कुछ देर के लिए यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ आकर मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे माँ मेरे साथ ही है। हालांकि मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, फिर भी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती। अगर आप कभी मुझसे मिलना चाहो और मैं आपको घर पर ना मिलूँ, तो समझ लेना कि मैं यहीं पर हूँ। Hey, क्या चल रहा है यहाँ भाई? लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। वो कुछ तो कर रहा है। वो उस लड़की के घर भी गया था और उसे एक्सीडेंट का शक भी हुआ था और वो लोगों से पूछ भी रहा है भाई। अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। hey, क्या वो इतना खतरनाक है? वैसे पहले हमें पता करना होगा कि वो करना क्या चाहता है। बिना जाने कोई कदम उठाना रिस्की हो सकता है। hey, जा माधव को बुला, उसे कुछ डिस्कस करना है। ठीक है भाई, बुलाता हूँ। मैं भी उस पर नजर रख रहा हूँ, फिर भी वो कुछ तो कर रहा है। अरे नजर रखना काफी नहीं है, इससे पहले कि देर हो जाए हमें कुछ एक्शन लेना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी घरवाली मर गई, ये एक पुलिस केस है। हमने उसे एक एक्सीडेंट के तौर पर लिया और केस को क्लोज कर दिया, लेकिन मुझे लगता है उसे इस बात पर यकीन नहीं है। अरे माधव, क्या कभी उसने अपनी घरवाली की मौत के बारे में बात की या उसने जांच करने के लिए कोई दबाव डाला? नहीं, उसे अपनी घरवाली से ज्यादा उस चित्रा में दिलचस्पी है, इसीलिए उसके बारे में पता करने के लिए वो पूरे गांव में भटक रहा है। अच्छा, उसमें और लड़की के बीच कोई संबंध तो नहीं है? मुझे नहीं पता, अभी तक कुछ भी नहीं पता। अच्छा, वो अकेले रहता है या फिर उसके साथ कोई रहता है? जहां तक मैंने देखा साथ कोई नहीं है, वो अकेला है। माधव, तुम्हें कुछ करना ही होगा, इससे पहले की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाए, नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से उसका काम तमाम करूंगा। मैं कुछ करता हूं, तुम शांत रहो। उस आर्टिस्ट पर जरा नजर रखना। चित्रा और मधु का किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, उसी तरह आपका और चित्रा का भी कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो दोनों एक ही दिन मरे थे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उन दोनों के मरने में कोई कनेक्शन जरूर है? नो, मधु एक्सीडेंट में मरी थी, वो हिट एंड रन का केस था, लेकिन चरित्रा जैसे मरी वो एक मर्डर हो सकता है। हिट एंड रन, क्या आपने देखा? तो फिर आप इस बारे में श्योर कैसे हो सकते हो? पुलिस ने कहा। हाँ, क्या आप पुलिस की बात पर यकीन करते हो? नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपनी वाइफ की मौत के बारे में सोचा? आप तो जानते ही हैं कि हर दिन रोड पर दुनिया भर के लोग चलते हैं और गाड़ियां भी चलती हैं। इसका मतलब ऐसे तो हिट एंड रन के केस हर दिन रोड पर होते रहते होंगे ना? तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है आपकी वाइफ की मौत के पीछे कुछ तो वजह है। चित्रा और मधु, आई मीन आपकी वाइफ,
दोनों की मौत एक ही दिन में हुई थी, लेकिन एक एक्सीडेंट और एक मर्डर। तुम यहाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई हो या फिर मेरी प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए? मुझे कंफ्यूज मत करो। मुझे भी ऐसा ही लगता है, बट मैं चित्रा और मधु की मौत का लिंक निकाल रही हूँ। दोनों के मरने के बाद ही आपको उस भूत ने परेशान करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही लोग भी गायब होना शुरू हुए। सही कहा, कुछ तो बात है। उस दिन पुलिस वाले ने भी मुझे बताया चित्रा अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ आई थी। चित्रा की मौत हो गई लेकिन उसकी फ्रेंड अभी भी गायब है। हमें पहले उसकी फ्रेंड को ढूंढना चाहिए। अरे सर, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसका मर्डर हुआ होगा और उसका फ्रेंड पुलिस से डर के भाग गया होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। उसकी फ्रेंड मिसिंग है, चित्रा का मर्डर हो गया, उसकी आत्मा हमेशा मुझसे मिलती है, इसी दरमियान मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई। बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें। अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो। आप एक कवि होते, कहानीकार होते या एक फिल्म मेकर होते तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता, लेकिन आप एक आर्टिस्ट हो तो आप इसके बारे में एक पेंटिंग क्यों नहीं बनाते? ऐसे मत देखो, अब आगे के बारे में सोचो। तो फिर तुम ही बताओ। मैं यहाँ हेलुसिनेशन के बारे में जानने आई थी, लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया है कि आपको डराने वाला कोई भूत ही है और ये सच है। ये हमें अच्छी तरह से पता है, लेकिन चित्रा का भूत आपको क्यों परेशान कर रहा है ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये मामला आप तंत्र मंत्र की सहायता से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा मैं चलती हूँ। एक बार हाथ पकड़ा तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। अब ऐसा डायलॉग मत मार देना। सॉरी जीविता, इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने तक तुम मेरे साथ रहो ना प्लीज। और तुम जानती भी हो मधु की मौत के बाद मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबसे दूर हो चुका हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरी परेशानी कम हो जाएगी। ओह ऐसा क्या, ये तो अच्छा है। मुझे ये डिटेक्टिव का काम भी बहुत पसंद आया। अब हम दोनों मिलकर छानबीन करेंगे और इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। शरलॉक होम्स की तरह चंदन जीविता के नाम से फेमस हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। बैठो ना, कौन से मैं तुम्हें अपने कंधे पे ले जा रहा हूँ, गाड़ी से ही तो जाना है। मेरा वेट 15 केजी है, ट्राई करना चाहोगे? अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मैं अकेले चले जाती हूँ। ओके बाय। मरुभूमि अंता बदुकु वनसिरिया कलवरिके बरिदाद हृदय किंदु जोड़िया छड़पड़िके। तो तुम ये कह रही हो कि मुझे पुलिस स्टेशन जाके अपनी वाइफ की मौत की डिटेल्स लानी चाहिए? हाँ, आपकी वाइफ मधु की मौत पर मुझे पूरा डाउट है। आप जाकर इस केस के बारे में पूछताछ करो, आपके पास इसका राइट्स है। ओके, तुम भी चलो। नहीं आप जाइए। चलो ना मेरे साथ प्लीज, तुम साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी बात तो सुनो, आप जाओ और जाकर पता करो, मैं बाद में मिलती हूँ। आखिर बात क्या है, तुम पुलिस स्टेशन इन सबसे इतना डरती क्यों हो? डर मुझे? नाइस जोक। ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो शक करेंगे, इसीलिए कह रही हूँ आप चले जाओ। जाइए। Excuse me, sir. मेरी वाइफ की मौत हुए लगभग एक साल हो गया है सर, क्या वो सच में एक एक्सीडेंट ही था? क्या मतलब मर्डर था? बोलो, क्या तुम्हें किसी पर शक है? हम जांच करेंगे। मैं कैसे बता सकता हूं सर, इसकी जांच तो आपको ही करनी होगी। ऐसे मामले में सबसे पहला शक पति पर ही जाता है। अगर मैं प्रोसीजर फॉलो करूं तो सबसे पहले मुझे तुम्हें इंट्रोगेट करना पड़ेगा। करूं क्या सर? ओके, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। तुमने ही कहा था ना कि शहर में तुम्हारी वाइफ के जानने वाले बस कुछ ही लोग थे, तो फिर हम कहां जाकर पूछताछ करें? रात के समय रोड पर ट्रक बस कैसे भागते हैं ये तो तुम अच्छे से जानते हो ना, हर दिन बहुत सारे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करके तुम्हें बताता हूं। अगर तुम्हें किसी पर शक हो जाए तो मुझे जरूर बताना।
उसके जवाब से मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तुम्हारा कहना सही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। नॉर्मली मधु हमेशा अपना मोबाइल अपने पास रखा करती थी, लेकिन उस दिन उसके पास नहीं था। अगर तुम मेरे साथ चलती तो सब पूछ लेती। खैर छोड़ो, तुम एक बात बताओ, तुम ऐसे पुलिस को देख के अचानक से भाग क्यों जाती हो? क्या कहा? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं बस ये मामला खराब नहीं करना चाहती थी, बस इसलिए। अब चलो। कॉफी नहीं पिलाओगी? नहीं, मजाक कर रही हूँ। चलो अब मैं आपको डिनर कराती हूँ, लेकिन वन कंडीशन, मेरे खाना बनाने तक आपको वेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अगली बार आता हूँ। ओके, बाय बाय। क्या हुआ? आधे घंटे में आती हूँ, थोड़ा काम है। हेलो। शायद मुझे चित्रा के घर पे कोई क्लियो मिल जाए। सबसे पहले मुझे ये बात जीविता को बतानी चाहिए।
तुम्हारा इरादा क्या है? तुम बार बार उस घर के पास क्यों भटकते रहते हो? सर, दरअसल बात यह है कि जब मैं उस घर में गया ना, तो किसी ने मेरे पे अटैक किया और वो मुझे फॉलो भी करता है। आप उसका पता लगाने की बजाय आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। सुनो मिस्टर, मुझे किससे सवाल करना है और किससे नहीं, ये मुझे अच्छे से पता है। उस घर वाली लड़की का मर्डर हुआ था, उस लड़की से तुम्हारा क्या संबंध है? सर, मैं आपको कितनी बार बताऊं, मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूं। एक बात कान में डाल लो, वो लड़की बेंगलोर से आई थी, अपने फ्रेंड के साथ आई थी। वो लड़की बेरहमी से मारी गई और उसकी दोस्त मिसिंग है। हम अभी भी उसकी दोस्त को तलाश रहे हैं। अगर हमें उसकी दोस्त का पता चल जाए तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब मेरा शक तुम पर ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि तुम उसके घर के पास बार बार दिख रहे हो। बिलीव मी सर, जब मैं उसे नहीं जानता तो उसकी फ्रेंड को कैसे जानूंगा? मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। ओ, ऐसा क्या? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं। इनमें से एक का मर्डर हुआ और एक अभी भी लापता है। लो देख लो। हो, 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 हो। पुलिस, तुम पुलिस को देख के इतना ज्यादा डर क्यों जाती हो? वो अपनी फ्रेंड के साथ आ रही थी, वो तो मर गई, उसकी फ्रेंड मिसिंग है। शायद वो मर गई होगी और उसकी फ्रेंड पुलिस से डर के भाग गई होगी। अच्छा ये बताओ, तुम पुलिस और पुलिस स्टेशन जाने से इतना ज्यादा डरती क्यों हो? जीविता, तुमने ऐसा क्यों किया? चित्रा तुम्हारी फ्रेंड है, तुमने मुझसे छुपाया क्यों? अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम शॉक्ड हो जाते चंदन। मैं ऑलरेडी शॉक में हूं। मुझे सच बताओ, तुम मेरा साथ देने के लिए आई हो या फिर मुझे पागल बनाने के लिए? ये सच है कि मैं और चित्रा फ्रेंड्स थे, बहुत क्लोज फ्रेंड्स। मेरी माँ की मौत के बाद चित्रा ही मेरे लिए सब कुछ थी। हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे, इसलिए हम दोनों पीजी में रहने लगे और जब भी मौका मिलता था हम खूब मस्ती करते थे। वो आपकी पेंटिंग्स की बहुत बड़ी फैन थी। वो मुझे आपकी आर्ट एग्जीबिशन में अक्सर लेकर जाया करती थी। छुट्टियों में हम दोनों यहाँ आया करते थे और एक साथ नेचर को एंजॉय किया करते थे। वो भी एक अनाथ थी, इसलिए हम दोनों की बहुत अच्छे से बनती थी। एक दिन हम दोनों घूमने के लिए बहुत दूर तक चले गए और वापस आते आते बहुत अंधेरा हो गया। यार, तूने आज मुझे कितना पैदल चला दिया। अब देखना,
आज रात भर मेरे पैर दर्द करने वाले हैं। ए, मेरी बात सुन, बैंगलोर में हम वॉकिंग के लिए पार्क में जाते थे, लेकिन यहाँ पर तो चारों तरफ पार्क ही पार्क है, इसीलिए चलते रहो, सेहत अच्छी रहेगी। अच्छा यार, यहाँ से घर कितना दूर होगा? यहाँ से तो लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा। हम एक काम करते हैं, अगर हमें कोई गाड़ी मिल गई तो उससे लिफ्ट मांग लेंगे। लिफ्ट देगा क्या कोई? जेंट्स होगा तो पक्का रोकेगा, लेकिन अगर लेडीज हुई तो पक्का नहीं रोकेगी, तो ये समझो कि लेडीज ही हमारी दुश्मन है। देखो देखो, सामने एक गाड़ी आ रही है। अरे इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है क्या? इसकी तो, अरे क्या कर रही है, चलना मत कर ऐसा। देखा ना, उसने गाड़ी भी नहीं रोकी। इट्स ओके, देख ये आइडिया वर्कआउट नहीं कर रहा है और अंधेरा भी हो रहा है, हम पैदल ही चलते हैं। जल्दी क्यों हो रही है? तूने ही तो मुझसे कहा था ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ रात 9 बजे के बाद कोई नहीं निकलता। अरे ये तो मेरा एक प्लस पॉइंट था। देखो, अगर कोई बुरा आदमी आया ना तो हम ऐसे बाल करेंगे और रा रा करेंगे और डर के मारे उसका काम तमाम हो जाएगा। समझ गए ना? चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। चल। ए, वो कार आ रही है ना? लगता है दो गाड़ियां हैं। हाँ। अरे वो लोग वहाँ क्यों रुक गए हैं? चलकर देखते हैं ना। एक आदमी स्कूटी में भी आ रहा है। निकालो उसे, निकालो निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी करो। ए, वो लोग क्या कर रहे हैं? चलो ना देखते हैं। हाँ हाँ, ले आओ, जल्दी करो, जल्दी 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 कर, आराम से, अरे आराम से, चलो देखते हैं। अरे जल्दी कर। हे, वो लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं? चुप रहो। हाँ बिठा बिठा बिठा, आराम से आराम से, गाड़ी स्टार्ट कर, आराम से बिठा, आराम से, जल्दी जल्दी मार 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 मार। रही है? भाई हमारा काम हो गया, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई, दो लड़कियों ने हमें वो काम करते हुए देख लिया। भाई हम लोग उनका पीछा कर रहे हैं भाई, थोड़ी देर में मिल ही जाएंगे, एक बार मिल गई ना तो जान से मार देंगे। चल 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 छोड़ो मुझे, चल ये ले गया इधर इसको। अब क्या करे भाई? भाई ने कहा है कि इन्हें खत्म कर दो। पकड़ो।
उसके बाद कोई मुझे रोड से उठाकर हॉस्पिटल ले गया। मैं 8 महीने तक कोमा में थी। होश में आने के बाद मुझे सब कुछ याद था। आपकी वाइफ की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। मैं यहाँ आपको यही बताने आई थी, लेकिन डॉक्टर स्वामी ने मुझे बताया कि आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। मैंने सोचा आपके ठीक होने पर आपको बताऊंगी, बस इतना ही। जरा खुद को संभालो चंदन, ऐसे गुस्सा करने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। क्या कहा? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ऐसे ही चुप रहूं? तो फिर क्या करोगे? उन्हें सजा जरूर मिलेगी। सही कहा, लेकिन कैसे? क्या पुलिस के पास जाओगे? कोई फायदा नहीं है। एक दिन में ही 2 मर्डर हो गए लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। लेकिन देखना, जैसे आपकी वाइफ और मेरी फ्रेंड मरे, एक दिन इन सबको मरना होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, उन कातिलों को किसी भी हालत में सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें मधु को मारने वाला कौन है इसके बारे में हमें पता करना होगा। वो कैसे? ये भी पता चल जाएगा। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे ये सच्चाई छुपा कर रखी, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ चंदन। मुझे लगा तुम ये सुनकर दुखी हो जाओगे। आई नो, अभी तुम अकेले रहना चाहोगे। मैं बाद में मिलती हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखना। ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನು ನನಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೋದೆಯ, ಇನ್ನು ಬದುಕಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸಂಭ್ರಮ. मधु की रिपोर्ट्स, डायरी, मोबाइल कॉल हिस्ट्री सब चेक कर ली, लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिला। मधु, चित्रा और अब राजू, इन तीनों के मर्डर हुए हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन मरे हैं या मिसिंग हुए हैं, तो शायद हमें इस केस में कोई ना कोई क्लू मिल जाए। हाँ, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? पुलिस स्टेशन से पता चलेगा। सही कहा, लेकिन पुलिस स्टेशन से हमें ये रिपोर्ट कैसे मिलेगी? घूस देकर अरेंज करनी पड़ेगी, हम कल ही पुलिस स्टेशन जाएंगे। ओके। जरा देखो उसे, किसी भी एंगल से पुलिस वाला नहीं लगता। उसे पकड़ते हैं, 500 रुपए देते हैं, पक्का हमारा काम हो जाएगा। हेलो। हाँ, जरा एक मिनट सुनिए। कहिए सर। पूछो उससे बाद में मिल सकते हैं क्या? सर, आप हमसे बाद में मिल सकते हैं वो क्या? क्यों? सर, आपसे कुछ बात करनी है, बाद में मिलते हैं। हाँ, अभी आप जाइए, बाद में मिलते हैं ना, अच्छे से बात करेंगे बाद में। हाँ, पता नहीं किस बात के पैसे दे रहा है और क्यों बुला रहा है। सर, वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, आप मजाक कर रहे हो क्या? मैं नहीं करूंगा, तुम्हारी मदद करने के चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। कहाँ गए तुम्हारे पैसे? ये लो और रखो, वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, ऐसे नहीं दे सकता। 350 इसमें से मैंने खर्च कर दिए, मेरी सैलरी आएगी तो दे दूंगा। अरे अरे सुनिए तो, अरे सुनिए सर, सर सुनिए तो सही, अरे मेरी बात तो सुनिए। भूत आया, पिसाच आया और गायब हो गया, हो गया। हे परमेश। कौन है? परमेश, मुझे डराओ मत। अभी सबक सिखाती हूँ तुझे। Ah!
फाइल लेकर जाओ उसे दे। कहाँ है वो? कहाँ चली गई फाइल? इसी में तो रखी थी, इसमें भी नहीं है। कहाँ चली गई? हाँ, मिल गई। ये फाइल पकड़ो, पकड़ो फाइल, और मुझे माफ कर दो। परमेश्वर, आप ये पैसे तो लीजिए। नहीं, अरे मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं, अपने पैसे तुम अपने पास रखो। परमेश, हे परमेश, क्या हो गया तुझे? भूत सर, वो मुझे मार देगी सर। ए, क्या बेवजह की बातें कर रहा है? चल बता क्या हुआ, तू तो वैसे ही डर जाता है। नहीं सर, भूत वो मेरे आंखों के सामने थी। उसने फाइल देने के लिए कहा, वो मार देगी सर। फाइल? कौन सी फाइल रे? नहीं सर, वो भूत है, मार देगी सर, मार देगी। फाइल? हेलो, बोलिए सर। ओ कृष्णा जी, वो फाइल के बारे में बड़बड़ा रहा है, तुम जरा स्टेशन में चेक करो कि कहीं कोई फाइल मिसिंग है क्या। ओके सर, चेक करता हूँ। ओके सर। सिर्फ एक साल में ही बहुत हादसे हुए, 9 लोग मारे गए, 11 लोग मिसिंग हैं, जिसमें मेरी मधु 8वीं है, चित्रा 9वीं है, तुम मिसिंग लिस्ट में 7वीं हो और राजू मिसिंग लिस्ट में 8वें नंबर पे है। पुलिस रिकॉर्ड में यही डिटेल्स है। सॉरी जीविता, जीविता, जब भी हम अपने किसी को खो देते हैं तो बहुत दर्द होता है, और ये बात मैं समझता हूँ। हम दोनों की परिस्थिति एक जैसी है। इस वक्त मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा और तुम्हें मेरा सहारा बनना होगा, तभी हम ये जंग जीत पाएंगे। लोग तो वर्धा राजन गैंग के हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं, जरा सावधान रहिएगा सर, आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं। ये आदमी और इमरान दोनों अच्छे दोस्त हैं। शहर में इमरान का एक गैरेज है, उसका पीछा करो, जरा इनकी मदद कर देना। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, स्टेशन से मर्डर और मिसिंग की दोनों ही फाइलें गायब हैं। ये क्या कह रहे हो सर? अगर पुलिस स्टेशन में ही चोरी होगी तो कैसे चलेगा? परमेश खुद वो फाइल लेकर किसी को दे आया है। ऐसा कैसे? उसके खिलाफ कड़क एक्शन लो, वो जरूर बोलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उसके बस का ही नहीं। लगता है कोई हमारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चल रहा है। मतलब वो आर्टिस्ट भाई,
मुझे भी उसी पे शक हो रहा है भाई। उस दिन उस घर में वो कुछ ढूंढने भी आया था। वो अकेला हमारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो बड़े अधिकारी और मीडिया या फिर किसी और के पास चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। उसे ऐसा कौन सा सबूत मिल गया, और वो भी उस मिसिंग और मरे हुए लोगों की फाइल से? क्या होगा उसमें ऐसा? वो तो बस अनाड़ी है। उसे कैसे भी आसानी से लिस्ट तो मिल गई, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे अभी उससे कोई टेंशन नहीं है। क्या ये बताने के लिए तुम इतनी दूर आए हो? राजन, अपने लोगों को होशियार कर दो। मेरे द्वारा अरेस्ट किए जाने की नौबत मत आने देना। सबको होशियार कर देना। क्या हुआ? कौन है बे तू? चल बता, सब कुछ सच सच बता, जो भी जानता है सब बता। जल्दी बताओ। हे, क्यों बताऊं तुझे? तू कोई पुलिस वाला है? चल जा बे। मतलब तू नहीं मेरे पास कोई सबूत है क्या? बोल। सबूत चाहिए? ये है वो सबूत। प्लीज उसे मत मार, मुझे छोड़ छोड़ दो। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। हम सभी वर्ध राजन गैंग के लिए काम करते हैं। उसके दुनिया भर में धंधे हैं। जब माधव यहाँ इंस्पेक्टर बनकर आ गया तो वो भी हमें सपोर्ट करने लगा। कानूनी गैर कानूनी लकड़ी का धंधा, रेत का धंधा, इसमें हमारी मदद करने लगा। उसके बाद हमारा धंधा और बढ़ गया। लोगों में डर पैदा करने के लिए उन्हें मारा पीटा और भूत का नाम लेके उन्हें डराया। सब डरने लगे। लोगों ने इसे सच माना। जो लोग वर्ध राजन के खिलाफ गए उन्हें हमने मार डाला, कुछ को गायब कर दिया और इसके पीछे भूत की कहानी बनाई। हमने ही उनके घर के बाहर लिखवाया कल आना। लोगों ने रात को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। रंजन पहले हमारे गैंग में ही था, लेकिन बाद में उसने वर्ध राजन को धोखा देना शुरू किया और खुद का धंधा करने लगा। जब वर्धा राजन को इसका पता चला तो उसने रंजन को धमकाया, लेकिन रंजन नहीं माना और उसके बाद में इंस्पेक्टर माधव को बता दिया। तभी से उन दोनों के बीच दुश्मनी छिड़ गई, तो उसने वर्ध राजन को मारने के बारे में सोचा, लेकिन उससे पहले ही वर्ध राजन ने हमें उसे खत्म कर देने के लिए कहा। ए! पकड़ो पकड़ो उसे, पकड़ो। मार मार मार। अब क्या करें यार? तुम दोनों गड्ढा खोदो, हम जाके कुछ पीने के लिए लेके आते हैं। चला जा। हाँ चल।
उसके बाद वो वहां से भाग गया और रोड पे तुम्हारी वाइफ के सामने आके गिर पड़ा। सर, सर क्या हुआ सर? सर, सर, क्या हुआ? थोड़ा हेल्प कर दीजिए सर। ए, चलो। सर 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 मैं भी साथ चलती हूँ। आप टेंशन मत लो मैडम, हम लोग संभाल लेंगे, आप जाओ। उसे दोबारा दफनाने लगे लेकिन तुम्हारी वाइफ ने सब कुछ देख लिया और मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिया जिसका हमें पता नहीं चला। क्या तुम्हारे पास इसकी कॉपी है? नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये मेमोरी कार्ड रख लेता हूँ क्योंकि ये मुझे इंक्वायरी में मदद करेगा। किसने किया और क्यों किया ये मैं पता कर लूंगा। इसे मेरे पति से छुपाना होगा क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है ना, इसीलिए मैं बार बार उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। हेलो मैडम, मैं आपको जगह बताता हूँ, अकेले आइएगा, कोई फोन भी मत लाइएगा और किसी को बताना मत, तुम्हारे लिए खतरा होगा। एड्रेस लिखिए। हाँ ओके सर। जल्दी आ जाइएगा। हे, क्या हुआ? बताइए सर। मैडम जरा आप इन लोगों को देखिए। ये लोग वर्धराजन की गैंग के हैं। जो मरा और जिन्होंने मारा सब मेरे ही आदमी हैं। तुम्हें इस लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। पैसा चाहिए तो बोलो, मैं दूंगा, लेकिन तुमने जो देखा वो सब भूल जाओ।
ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? ऐसा सोचा भी कैसे? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पता है ना, मीडिया में काम करती हूँ मैं। इस केस को कैसे हैंडल करना है अच्छे से जानती हूँ मैं। इन्हें जेल भिजवा कर ही छोड़ूंगी मैं। अरे सुनिए मैडम, एक मिनट रुकिए। गवाह को ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो कोर्ट में सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। मैं देखना चाहता था कि कहीं आप पलट तो नहीं जाएंगी। चलिए अब मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ। मैडम बस आप एक कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए और साइन कर दीजिए। चलिए। मेरे हिसाब से यह हिट एंड रन केस है। अब मैं केस क्लोज कर दूंगा। बाद में हमने उसे एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया और माधव ने इसे हिट एंड रन का केस बनाकर क्लोज कर दिया, लेकिन फिर भी इन दो लड़कियों ने हमें देख लिया। इस वजह से हमें मजबूरी में यह सब कुछ करना पड़ा। चंदन, जीविता, हमारा टारगेट ये नहीं है, छोड़ो इसे, चलो। निन्ना जोते अली बाडुवा कनसु नाशा वागी दे इन्नो दुखद जोते गी दे गेलितना। केस है, एक्सीडेंट की परवाह भला मैं क्यों करूं? मुझे बस अपने धंधे से लेना देना, मैं काम पूरा कराने का पैसा देता हूं, बस इतना ही व्यवहार रखता हूं। मैंने हर चीज का ठेका नहीं लिया है, चाहे कोई रोड पर मरे या घर पर। मेरे पास टेंशन लेने का टाइम कहां है? सही है ना? अरे सही कहा ना मैंने? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, ये यहाँ क्यों आया है? हाँ जरा गाड़ी रोक। मामला तो पता ही चल गया होगा, इमरान हिट एंड रन स्पॉट पर ही मर गया था। ये हो ही नहीं सकता, इमरान हिट एंड रन, भूत का डर, ये मिसिंग, ये सब कुछ हमारा ही बनाया हुआ खेल है।
कोई है जो हमारे साथ खेल खेल रहा है। पता करो वो कौन है। मैं तो इसका पता लगाऊंगा ही, तुम लोग जरा होशियारी के साथ ही रहना। हाँ। तुम्हें वो खबर पता चली? इमरान हिट एंड रन में मारा गया। हमें कुछ प्लान करना होगा वर्धराजन को खत्म करने के लिए। ये वर्धराज की जगह है तो क्या पता यहाँ अंदर कोई क्लू मिल जाए। हे, लगता है कोई आ रहा है। चलो चलो चलो, चलो, चलो। चल बाहर निकल, बाहर निकल। छोड़ मुझे। क्या कर रहा था तू यहाँ पे? छोड़ो। चल बता। हे जीविता, जाओ यहाँ से, तुम जाओ। हे चल बता, यहाँ क्यों आया था? छोड़ दो, आराम से। जाओ यहाँ से। क्या कर रहा हूँ तू? छोड़ो मुझे, जीविता भाग जाओ, जाओ जल्दी। हे पकड़ उसे। जीविता, जीविता, चलो जल्दी यहाँ से निकलते क्या हैं। हुआ? चलो। और मैं यहाँ? मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा। उन्होंने खुद को मार लिया। हाँ। चलो। छे, धंधे में नुकसान हो गया। एक एक करके मेरे लोग मर रहे हैं।
और तुम सुसाइड और एक्सीडेंट बनाकर फाइल को क्लोज कर रहे हो। तो क्या करूं? विटनेस और एविडेंस चाहिए। मर्डर में जिस चाकू का यूज हुआ है उसमें जीवन की उंगलियों के निशान है। जीवन ने अपना गला काट कर सुसाइड कर लिया। हे माधव, ये गेम हमने ही शुरू किया था, अब कोई वही गेम हमारे खिलाफ खेल रहा है। हम चुप नहीं बैठ सकते। अगर पता चल जाए कि कौन है तो हम कुछ कर सकते हैं। तो पता करो ना, जाओ यहाँ से। उस आर्टिस्ट के बारे में कह रहे थे ना, वो अकेला नहीं होगा, उसका कोई साथ दे रहा है। hey, यहाँ खड़े होकर बातें मत बनाओ। वैसे ही मेरा आधा धंधा चौपट हो गया है। हमारे पैदा किए हुए डर से लोग रात को बाहर नहीं निकलते थे, अब देखो हमें किसी और से डर लग रहा है। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, लेकिन कोई राज बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों रे परमेश, कहाँ है? जाओ और एक बार चेक करो, अगर वो सही है तो उसे ड्यूटी पर आने के लिए कहो। छह, नॉनसेंस। हे, गाड़ी बढ़ा। ठीक से चलाना। ए, क्या कर रहा है तू? अरे गाड़ी ठीक से चला। ए, क्या कर रहा है तू? ए, क्या हो गया तुझे? ए, अरे गाड़ी ठीक से चला ना। ए, पागल हो गया क्या? ए, अरे संभाल, ए, गाड़ी, गाड़ी संभाल, अरे ब्रेक मार, ए, अरे क्या कर रहा, ब्रेक मार। सर, तू मेरे साथ सर, गेम खेल रहा है? सर मुझे छोड़ दीजिए सर। तू ही है जो सब कुछ कर रहा है। कौन है तेरे साथ? चल बता, बता। सर क्या बोल रहे हैं आप? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, छोड़िए मुझे। तू इतनी आसानी से नहीं बताएगा। चल बता, चल बता, हाँ बता, बता।
खोलो खोलो। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। आपकी वजह से मेरी फ्रेंड की आत्मा को शांति मिल गई। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ कि मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ और ना ही किसी स्वामी को जानती हूँ। मुझे पता है। अब मेरे आने का मकसद पूरा हुआ। अगर मौका मिला तो दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। भाई तुम्हारी कहानी तो बहुत अनोखी निकली। चलो ठीक है, अब तो सब खत्म हुआ। भाई अब तो बेंगलोर आ जाओ। आ जाऊंगा। एक नया इंस्पेक्टर आया है, अगर दोबारा पूछताछ हुई तो मुझे बुलाएंगे। सब क्लियर करके आता हूँ ना। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया है। ओह अच्छा। वो जो लड़की है ना, वो मानसिक और शारीरिक आघात की वजह से काफी दिनों से कोमा में थी, लेकिन कल से उसमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशन हो रही है। ये जो इंसान की जिंदगी है ना, वो बहुत विचित्र है। 2 मिनट्स। ओके। लगता है वो जिंदा है? तुम ही बताओ, क्या ये भी कोई जिंदगी होती है? सॉरी सॉरी चंदन, तुम मेरे मन का दर्द नहीं समझ सकते। अपने हिसाब से मैंने आपसे झूठ बोला, धोखा दिया। मैंने आपको जानबूझकर अपने बदले में शामिल किया, यही समझते हो ना? नहीं नहीं, कल हॉस्पिटल में चित्रा को जिंदा देख के मैं शॉक्ड हो गया था। वो जिंदा नहीं है, वो बस सांस ले रही है, वो भी एक जिंदा लाश की तरह। अगर आपको लगता है कि यही जिंदगी है तो शायद ये मेरी गलत फहमी है। सॉरी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जीविता, जीविता। Thank you.
खाली कैनवास सा था मेरा मन, बेरंग था दर्पण। तू जब से मिला मुझको मेरे साथी, रंगीन हुआ है जीवन। ओ जानिया सुन ले, तुझसा नहीं कोई यहाँ, तू भी मुझे चुन ले, मुझसा भी कोई कहाँ। तेरी प्यारी जो है खुशबू, मेरे तन को छू के गुजरे। मिला जो ये पल खुशियों का, भुला ना पाए इसे। एक दूजे में खोने लगे सपने, सब पूरे हुए। मिलके हम रास्ते चुने, जीवन भर यूं ही चलते रहे। खाली कैनवास सा था मेरा मन, बेरंग था दर्पण। तू जब से मिला मुझको मेरे साथी, रंगीन हुआ है जीवन। ओ जानिया सुन ले, तुझसा नहीं कोई यहाँ, तू भी मुझे चुन ले, मुझसा भी कोई कहाँ। अगर आप कभी मुझसे मिलना चाहो और मैं घर पे ना मिलूं ना, तो समझ लेना मैं यही मिलूंगी। सॉरी। सॉरी मुझे भी कहना चाहिए, मैं भी खुद पर काबू नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता तुम क्या समझोगी। दरअसल मधु के जाने के बाद मुझे लगा कि उसकी जगह कोई नहीं ले पाएगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं सेकंड हैंड हूं इसलिए ना, कुछ तो बोलो। चंदन, आज से नहीं, कॉलेज के दिनों से ही मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। अब मैं तुम्हारे इस प्रपोजल को कैसे रिजेक्ट कर सकती हूँ? थैंक्स,
लेकिन मैंने तुमसे बहुत सारे झूठ बोले हैं। कोई बात नहीं, अब मैं सच बताती हूँ। उस रात को, उस घटना के दौरान उन सभी ने मुझ पर भी अटैक किया था। कोई बात नहीं, उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। लेकिन उन पापियों ने मुझे भी नहीं छोड़ा। मतलब? उन लोगों ने मुझे मार दिया।